शाही इजलास का अभी दरबार में पेश किया जाए। शाही इजलास दरबार में हाजिर होइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आज हमें किस लिए बुलाया है? आज हमारे हाथों किस पापी का काल? इस पूर्ण पापी का तुम्हारे हाथों से काल आया है? नहीं नहीं महाराज नहीं, आपका नन्ना सा मुन्ना सा लाल महाराज, इसने कौन सा कसूर कर दिया है महाराज? देखो शाही राज, इसने अपनी माता मतरेई लूणा की जिद के ऊपर हाथ डाला है। नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज। हाथ चुका है, हाथ जोड़ के महाराज अर्ज करता, हाथ जोड़ के महाराज अर्ज करता, मेरी बेनती सुनियो स्वीकार राजा। जो जन्म होया तेरे पुत्र दा, तू मैनू दित्ता रुपया हजार राजा, कैसे कत्ल करा तेरे पुत्र नू, कैसे कत्ल करा तेरे पुत्र नू, मेरे कोलो ना चले तलवार राजा। शामे बैठ के ब्रिज दी मलूक जंदा, इनू कटना नहीं महाराज, हमारी अनकार है, अनकार है, अनकार है। और राजे नाल सवाल जवाब करदा है, राजे नाल सवाल जवाब करदा है, तेनू आखरी बार उचार देवा, दूजी बार जे फिर इनकार की तेन शहर दे विचों निकाल देवा। आप पूर्ण पापी दे हथां नू ला लै हथ कड़ियां, सीस कट दिओ नाल तलवार देवा, ऐसा फैसला करी मलूक चंदा, सारा झूठ ते सच निकाल देवा। इस बदमाश के हाथों में हथकड़ी जकड़ी होगी आपको। आपका कहना है कि अगर मैं इसको ना जकड़ू तो फिर क्या होगा हमारा महाराज? तुम्हारे बीवी बच्चे हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पलते हैं, आपको ये मालूम है? महाराज आप भूल कर रहे हो महाराज, तू तो है एक मेरा अन्नदाता, तू तो है एक मेरा अन्नदाता, वो सबका अन्नदाता है, तुम्हें जो रोज आता उसी घर से आता, सृष्टि के लिए उनके सदा भंडार जारी है, तुम्हारे जैसे राजा लाखों उसके दर पे पुकारी है। बहुत रोटी के टुकड़े के लिए, बहुत रोटी के टुकड़े के लिए मदद किसी की नहीं करता, लोग रोग से मरते हैं भूख से कोई नहीं मरता। जिसने दूध का दरिया बगाया है हमारे जन्म से पहले, वो हमेशा भोजन तैयार रखता हमारे जन्म से पहले महाराज। देखो शाही इजलास, आपको ये नहीं मालूम जो हमारी रानी लूणा है, हमारी नारी है, हमें उस पर पूरा विश्वास है कि वो सच बोलती है। आज लखां बिचों को होगी एक नारी, लखां बिचों होगी कोई एक नारी जिन्हों इज्जत रखदी कर कहोवे, बेशक पति दे नाल प्यार गूढ़ा और फिर भी नार दे दिल विच फर्क होवे, झूठ बोलना मकर फरेब करना इन्हां वास्ते सजनों नरक होवे, पुत्रां नाल भी जुल्म कमाण मापे पैणा इन्हां दा क्यों ना गलत होवे। सिया राम नूं घरां चों कढ दित्ता, कहना मन के राजे ने राणियां दा, ओदे नाल दा दसी तू कौन पागल जिहड़ा करे इतवार जिन्हां दा, ओ फिर द्रौपदा नूं कहण सतवंती पंजा पांडुआं नाल प्यार कीता, राणी रूपावती नूं जाणदा जग सारा जिहने पुत्तर उत्ते है बस कीता, राजे आदे नूं मकर खिलार बैठी भोले राजे ने ओदा अतवार कीता, ओ फिर रोमदा कन्नां ते हथ धर के पता लग गया जदों शैतानियां दा, ओदे नाल दा दसी तू कौन पागल जिहड़ा करे इतवार जिन्हां दा। महाराज चली के दिमाग लग के नार दे कैरवा ने थारा सोना दा नष्ट करवा दिता, दाड़ी मुन्नी भविष्ण पंडत वाली इन्हां पंडतां दा होश भुला दिता, यह नारियां तेज कटारियां ने और ऋषि मुनिया दा धर्म डला दिता, तन चंदा किताबां नूं देख पढ़ के पता लगता फिर कहानियां दा महाराज हम जा रहे हैं। हमारे पास और जलाद बहुत है, जा मेरी नजरों से दूर चले जाओ। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? पिताजी जो आप कहते हैं मैं भी वही कहने जा रहा हूं। शाही इजलास वंदना है मेरी, वंदना है मेरी, तुसी चुक लो कटारा नू, तुसी कानू करते हो आज इन कारा नू, ओए पलियो जला दो, ओए पलियो जला दो, मैं ते मर जावना, तुसा कानू दुख जिंदगी जावना, तुसी नहीं तो कोई होर आ जानगे, ओ भी तो आके मेरा सर लानगे,
अंत वेले दर्दी पिछो पछतावना तुसा कहने दुख जिंदगी ठीक पावना शाही जनाब जैसा हमारे पिता का हुक्म है वैसा ही कीजिए शाही जनाब। जब मरने वाला तैयार है तो तुम्हारी क्यों ठीक है महाराज मैं हथ बंद करता बेनती मैं हथ बंद करता बेनती मेरा ना कोई उजर जोर जे तू पुत पुरु मरमावना देवी अगे बन के तोर एदिया कुटके बना मुचका ले जा हिकदा दे के जोर इनू बटांगा नाल तलवार दे करा अड्डो अड्डी एदा जोड़ मथा चीर के नेत्र कढ लवां लवां रत दा छन्ना निचोड़ तेरा आवांगा पूर्ण मार के जिवें पहला पांदे मोर महाराज ऐसे होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान है इसके खून का कटोरा महारानी लूणा के महलों में पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं महाराज आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम खून का कटोरा महारानी लूणा के महलों में पहुंचाएंगे। एक बात का और ध्यान रखो महाराज बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इस बदमाश को पूछ लो कुछ खाना है चाहता है तो खुला दो किसी को मिलना चाहता है तो मिला दो। क्यों नहीं महाराज राजकुमार पुरन महाराज का आदेश है मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। मरना मुताब है लेकिन तुम्हारी मौत एक अजनबी मौत है। अगर आपने किसी को मिलना है किसी को याद करना है आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा ये महाराज का हुक्म है। ठीक है शाही जनाब हमारी माता ऐशरा मुझे अडी है आप बनाना चाहते हो तो हमारी माता ऐशरा को बना दी है। क्यों नहीं माँ ऐशरा आपके बेटे ने भरे दरबार में आपको याद किया है। ये क्या देख रही हूँ हमारे बेटे के हाथों में कड़ी पैरों में बेड़ी पहना रखी है हमारे बेटे ने कौन सब सूर किया है। इचरा तेरे इस बेटे ने ऐसा चंद चढ़ाया नहीं अपनी मानू करे ठगौरी अपने मानू करे ठगौरी अली जितनू पाया जी अपनी मानू करे ठगौरी अली जितनू पाया जी। पोलियो को जन्म देने से पहले मार देती तो अच्छा था। नहीं महाराज मैं अच्छी तरह सकती हूँ कि आपका खून ऐसा गंदा नहीं हो सकता जैसे कहते हो। ये हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। जे गंदी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती आपको ही मालूम होगा कि हमारा खून है। आपको शर्म नहीं आई हमारे दरबार में ऐसी बात करते हुए। अगर आपके बाद आज के बाद इन महलों में इस पूर्ण पापी का नाम हुआ तो इसके साथ आपको भी कत्ल कुल ले जाओ इस बदमाश को इसे मिलाकर ले जाओ। शाहिद मैं आपके यहाँ लेती हूँ नहीं महाराणी मुझे ले जाओ मुझे खत्म कर दो ऐसा कभी नहीं होगा। छोड़ दो जनाब ऐसा कभी नहीं होगा महारानी। महाराजा राजा सलवान का जे हुक्म है हम हुक्म की पालना करते हुए आपके बेटे पूर्ण को वन में ले जाकर इसका कितना करेंगे। शाहिजाद आपके स्वास्थ्य की डोरी खत्म हो चुकी है। एक दो तीन कहने से आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। आप बनने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है शाहिजाद जैसा हमारे पिता का हुक्म है हुक्म बजाइए। क्या बात है ना जाने इस तलवार से मैंने कितने कत्ल किए हैं। आज हमारी तलवार क्यों अनकार कर रही है। एक दो इना हाथा दे नाल कई हजार मारे इना हाथा दे नाल कई हजार मारे अज दिल क्यों मेरा फुर फराण लगा। ओ मेरे राक्ष मनु पामसिया को धर्मी में मार बकाल लगा। अच्छा रबा मेरे आ अच्छा रबा मेरे आ मेरे ते रहम करी कहने राजे दे कहर कमान लगा। ओ पापी पेट दी खातर मजबूर होके अज हाथ कंडिया दे विच बकाल लगा। राजकुमार पुरन हमारी कृपा बार बार अनकार
प्यार कर रही है, क्या बात है। देखिए शाहजरा, मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कभी कोई कसूर नहीं किया। जो नहीं, जो कि हमारे पिता ने आपको कहा है शाहजरा, मैं ऐसा कसूर कोई नहीं किया। मैंने तो महाराज को पहले ही कहा था, नारा जना दी बाढ़ चो वार हो जा, और नारा जना दी बाढ़ चो वार हो जा, पुठियां मार के उन्होंने टंगिया जी, और खिंच लेंदिया लहू मनुख विचो जोका वांग फड़ दिया संगिया जी, और मर्द आके के इन्हां नूं छड़ दिंदे, मर्द आके के इन्हां नूं छड़ दिंदे। जदों दिलां नूं देवण तंगियां जी, एक हुंदे ने इन्हां तों लाल पैदा हो रहे कीड़े दिलों चंगिया जी। राजकुमार बोरन, मैं आपका कतल नहीं करूंगा। चलिए, जंगल बियाबान में कुआं है, आपके हाथ और पांव काट के कुएं में फेंक दूंगा, खून का कटोरा महारानी लूना के महलों में पहुंचा दूंगा। ठीक है शाही जनाब, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही। चलिए, जो 9 महीने का भुलेखा हो ही नहीं पाया सी, वह हुण पूरा हो गया है। सो पूर के हाथ पैर कट के जंगल दे विच कुए दे विच छिड़ जांदे ने। उधर घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ अपने चेलिया समेत आते ने, बाकी की कहानी इस नाटक का ही तकना। आपको मालूम है जो फकीरी होती है बहुत कठिन होती है। हाँ जी, फकीरी बहुत कठिन है जी। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी कुची खजूर है, चढ़ गया था मत बीगा डिग पे तो चकना दूर है। पीर पंगंबर औलिए, फकीरा फकीरी दूर है, जितना का लंबा सो पैदा, चढ़ गया तो पार नहीं बन गया मैदा। गुरु जी हाँ जी, ब्रिंदावन जाना गुरु जी। उधर हैगा आपा रियासत। अच्छा जी, जाना सियालकोट। सियालकोट, सियाल सियाल तो लंघ गया, कोट क्या करना तय हुण? ओ सियालकोट शहर वा। तेन याद तू सुना दे, मैं याद करा देना पुत्रा तेनू। हां गुरु जी, याद करा दो। हो रब मेरा गरीबी दा, रब मेरा गरीबी दा, रब मेरी ता गरीबी दावे। चलो क्या है? रब मेरी ता गरीबी दावे, रब मेरी ता गरीबी दावे, रब मेरी ता गरीबी दावे। वो मिर्चा कितनों आ गई है? पता नहीं कितनों आ गई है, ताकतगार तो आ गई है जी। बच्चा दूसरा शब्द सुनो। क्या ना जी? वो जगती गुराने तारिया। जय बाबा जी। वो जगती गुराने तारिया। हो आज थमटा पप्पू दे मारे। ओए तू मामा चिमटे मेरे मरिया ना। क्या गल हो गई? मारे नहीं करू निकाल ले। हां गुरु जी, बच्चा एक होर शब्द रह गया। केड़ा गुरु जी? वो संत सिखा देंगे, सिखा देंगे। बच्चा सब कुछ सिखा दोगे आज? केड़ी जी? वो संत सिखा देंगे, गुरु मिलने दी जुगती, संत सिखा देंगे, गुरु मिलने दी जुगती, संत सिखा देंगे। हाँ जी,
ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਤ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਸੰਤ ਸਮਾ ਦੇਣਗੇ ਟਹਿਰਾਲੀ ਨਦੀ ਕੁੜਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾ ਦੇਣਗੇ ਟਹਿਰਾਲੀ ਨਦੀ ਕੁੜਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਸਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧੂਣਾ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਧੂਣਾ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਏ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਖਵਾੜਾ ਨਾਥ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜਨਾਥ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਆ ਓਏ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਖਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖਵਾੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਖਵਾੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੇਰੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੜਾ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਐਦਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰੀ ਦੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਮੋਕ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਾ ਉਹ ਫੈਂਟਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲੈ ਹਾਦੇ ਖੂਹ ਆ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਪੀ ਲੈਵੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਖੂਹ ਹਰਾ ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਭੂਤ ਹਾਏ ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਭੂਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਵਾ ਪੁੱਤਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਆ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਆ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਆ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਝਿੰਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਲਟੀ ਫਸ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਖੂਹ ਆ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਝਿੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ 2022 ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਆ ਅੱਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਬਈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮੋਹਰੇ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੇਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਲੈ ਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਰਾਮ ਹਾਏ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰੂ ਅੰਡੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਭੂਤ ਆ ਭੂਤ ਆ ਹੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਰੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕੇਰੂਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰੂ ਮੰਤਰੂ ਕਲਾ ਕਲੰਤਰੂ ਤੇਰਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਡੰਤਰੂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਲਵਾਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਲਾ ਮੰਮਾ ਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੇਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਭੂਤ ਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਕਹਾਣੀ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੇਲੇ ਡਰ ਗਏ ਭਰਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੇਲੇ ਡਰ ਗਏ ਭਰਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਓਏ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਹੋ ਨਾ ਭੂਤ ਹੋ ਕੌਣ ਹੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਖੂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ
पिछड़ जाते हैं ना मामा नीतलियां दी दोबारा जा कौन पहले ये बताइए आप कौन हो जो मुझे पूछ रहे हैं दसवें कौन हो असि ये साडा गुरु गोरखनाथ का डेरा ये जंगलों में लंघ रहे सी सानू पानी की प्यास लगी असि खूह में देखा तां पूछ रहे हैं गुरुदेव हमारी माता लूना ने हम पे झूठी तुमत लगाकर अच्छा इस कुएं में फेंक दिया है हमारा कोई कसूर नहीं है गुरुदेव चलो जी वो कहता मेरी मां मतरेई जड़ी लूना ना उन्हें मेरे खूह सड़ता मेरे हाथ पैर बड़े हो आ आओ चलिए साढ़े बिना को बढ़ दे क्या कहता हाथ पर है नी ओदी पूछ हैगी है हाथ पैर बड़े हो नुकसान हुआ हो अच्छा नुकसान हुआ हाँ पुत्रा ऐसा करो हाँ जी एरे भी आपा हाथ पैर से जीत का ना 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 पहले उधर हिम्मतियाँ लाओ किधर हिम्मतियाँ लियो हाँ दस पे किधर लेना बेटा पूर्णा रहे तू खूजो का जेकर होया दिल पे ही माँ तेरा हाथ पैर सरजीत हो जान तेरे कैम होया जे धर्म ईमान तेरा कच्चे ताके दे नार तू बार आमी रखा रहूंगा सदा भगवान तेरा सच्चा दोहा जो कौन मलूक चंदा आ जा गया हिम्मत तेरा तेरा हिम्मत ध्यान हुआ एक बारी तेरे हाथ पैर सजीत करो शब्द पढ़ के हाँ ओम सत्य आरती सतगुर सेवा खोल कुआर मेरे गुरु देवा हाथ पैर सजीत हो गए तेरे हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे हाथ और पाओ आ चुके हैं गुरुदेव आपका बहुत धन्यवाद फिर बाहर आ जा देखिए गुरुदेव हाँ मैं आप ही बार नहीं आ सकता क्योंकि मेरे तन पे कोई कपड़ा नहीं है गुरुदेव कहना कपड़े है नहीं बेचारे दे कपड़े भी बख्श दे दे कपड़े भी बख्श दे और दे दे बेचारा गरीब बंदा है बेचारा पता नहीं हाँ अपनी शक्ति दे नाले दे ला कार्य करूं शक्ति मारा वो रह दे ये दी शक्ति रह दे जी शक्ति मार वो जान दे गुरु जी ये दी शक्ति कानू खराब करता चल तुसी अपनी शक्ति मारो फिर ना 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 ये गुरु हो बे ना साडिया शक्तियां ने काम नहीं करना उथे ये गुरु दी शक्ति ने काम करना तुसी खाने जोगे ही हां ओम संध्या आरती सतगुरु सेवा खोल मेरे कुमार गुरु गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कल्याण हो बेटा कल्याण हो गुरुदेव हाँ जी मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ जितना मर्जी कर लो मेरी कड़े शक्ति मुकण लगी है पुत्रा असि तेनू खूह तो बाहर कर दिता हुण तू अपने घर नू जा अपने घर वापस चल जा देखिए गुरुदेव मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूंगा गुरुदेव आपके चरणों में रहूंगा क्या कहता है चरणों ओ गाल सुन ला एक तो तेनू साडे गुरु ने खूह चो कटिया एक तू बाहर आके ओ साडिया तीजे ने नाल ना कहना चरणो करनी है चरणो साडी गेरू दा नो आ आवे कहंदे चरणो करनी है ओ नहीं गुरु जी क्या कहंदा भला है पुत्रा ये कहंदा पे मैं तोडे कदमा च रहना चाहना अच्छा चरणा चरणा दे विच तो परांडा छत्या इथे चरणा विच रहना चाहुंदा चरणा च देखे गुरुदेव आपके चरणों में रहकर मैं तुम्हारी पूजा करूंगा हाय हाय पूजा देखिए गुरुदेव आपके चरणों में रहकर मैं आपसे विद्या हासिल की हायो मर गए तेरे घर वाली हुण मर गए पहले कहता चरणो फिर कहता पूजा हुण कहता विद्या करनी है विद्या कौन इहदे घर वाली विद्या बंदगी कहते बंदगी कहते अच्छा बंदगी कहते विद्या बंदगी भरावा जे बंदगी कहते जहा असी 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 बहुत औखे सानू लंगर मिलता नहीं है तू चले जा इस जोग दे कदीए बहुत औखे जूदा मरे सो जोग कमाए बेटा पांच तत् पच्ची प्रकृतियां ने कोई बिरला मर्द कमाए बेटा बल्ला तेरे जा चल जा भरा नहीं गुरुदेव अपने घर में नहीं जाएंगे आपके चरणों में रहेंगे अपनी मंडली में आपकी मंडली में भर्ती होंगे
गुरु जी खेड़े पै गया मुंडा पुत्रा हाँ। इस योग के कजिए बहुत औखे होंगे है योग कमाना बड़ा औखा होता है पुत्रा हजे भी अपने घर चल गया नहीं दूजे आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा ओ सुंदर सोना मुकड़ा तेरा रंग तेरा वे और ऊपर ठाटा मारे दग दग कर जा तेरा वे चलेगा जिन्हें माई ते बाप की करी सेवा उन्हें पालिया सर्ब ज्ञान बेटा माता तड़फती होगी बांग मच्छी पुत पिछड़िया जिदा जवान बेटा तेरा पिता भी रोंदा मार तहां कमर चुकी होगी बांग कमां बेटा जाके माता दे पिता दे चरण फड़ ला दित्ते बचन वा सच्चे जा चलेगा नहीं गुरुदेव मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगा मैनू अपना सेवा करो गुरुदेव सेवा करो हां जी गल सुन लो हां आपा इन से शेष कर लेना शेष रिश करना रिश नहीं बनाना एक वो पुत्रा सेवक कर लेना सेवक सानू 24 साल हो गए धक्के खांदे नु सानू कदे सेवक नहीं कीता अपना पुत्रा गल सुनो हां ए कड़िया दुधवा ना ए कड़िया दुधवा नहीं असि कदे फुटियो दुधवा अबे सान पूछना नहीं है अबे साडा पनीर बन गया आ दस दे गुरु नु ओ गेरुआ क्या होया ए गेरु जी महाराज ओए सेवा करते लायक हैगा ए ठीक है गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा मैं आपको प्रणाम करता हूं गुरु जी एक मेरा भलेखा कड्डो तुसी इन जोग काते दिता पुत्रा हां ये जोग दे काबिल है ये किद्दा काबिल हो एनी संगत सुनदी है सानू दसो भी किद्दा काबिल हो पुत्रा ये पिछले जन्म दे विच भी भगत सी अच्छा पहला भी पूर्ण भगत ही सगा ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗਊ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਊ ਭੱਜਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤਾ ਹਾਂ ਤੈ ਕਿਤੇ ਗਊ ਤੇਰੀ ਇਧਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਆਏ ਹਾਏ ਫੇਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਨੂੰ ਗਾਂ ਗਈ ਆ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਊ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨ ਮੰਗੀ ਜਵਾਨ ਮੰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗਊ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ 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 ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੂਣਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੂਣਾ ਬੜੀ ਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਰਨੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਹੋਣਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਵਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬਿੱਜੂ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿੱਜੂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ ਖਲਾਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਉ ਲੱਗ ਕਰਿਆ ਅਰਦਾਸੀ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੀ ਅਭੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੱਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ क्या आप ही रानी सुंदरा हो नहीं मैं महारानी सुंदरा नहीं हूँ उसकी दासी हूँ तो रानी सुंदरा को कहो कि वहाँ योगी राजा है
उनको खैर जाने लगे। ठीक है जोगिंदर महारानी। हाँ दासी। वहां पे कोई जोगिन आता है, वो कहता है कि मैं आपकी महारानी से भिक्षा लूंगा। ठीक है मैं भी जाती हूँ। गुरुजी तेरी नौ आ गई। गेरुआ हाँ कहता रोटी ले आने कहता का
रोटी ले के आई है। रोटी ले ली और रोटी आ गई। ले ले गुरुजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूं। ले ले भाई, आगे बैठ। मैं भोजन ले आई है, ले चिट्टा ले आई है। आ जा, ठीक है, आ जा। और रोटी पा देना, ऐ को पानी खाने रोटी में ऐ पानी खाओ। अच्छा जी, हां खा। हां जी, क्या 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 आप आगे नहीं खाली। मैं बता रहा हूं, मुझे भूख नहीं है आगे। ना ना भूख हो गई, चाहे ना खा। भुख लगी होने खा दे खाने सेवादार महाराणी सब्जी सब्जी पाने माड़ी मोटी रोटी ना खाओ जो दुखी किता पै चौने थाल च पाई है क्या लोड़ थी थाल लपेट दी सरिंज भर के साडे लाण दी खीर मुंडा मंगदा बदाम वाली खीर राणीए होवे भी मिठी होवे भी चिट्टी चमचा होवे बिच ते कम कर दो घड़ेच खीर दा पारे पारे उनू खीर इहनू खीर समझ के खा ला काका ओ हैगा ओ गुल्ला खीर समझ के खा ले गदिया हूं कहदा रसगुल्ला रहा नहीं गल सुन मेरी गल सुन तू रोटी खा ला खा ला खा ला खा ला रोटी ले रोटी दे रोटी ले रोटी खा दे चलो जी बाबा जी तुसी भी खा लो बाबा नहीं खांदा क्या गल रोटी तो ऐदा आ जिदा फ्रिज चो कढ के लियांदी हुंदी आ आप ही खिला दे तो आपके मुंह सिर का नहीं पता चल रहा कि मैं बुरकी कहां पे डालूं ना सजबाने इनू आपे खड़ा दे दा ऑपरेशन होया हाथा दा मंगला मंगला क्या मंगना साडा गुरु आज दयाल हो गया मंगला क्या मंगना मंगला चाहे मन्नू मंगला दा तैनू मंगना उथे गुरुजी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास ए मंगला गुरु दयाल होया मंगला क्या मंगना जे दूसरा वचन है कहीं व्यर्थ ना चला जाए मंगला मंगला नहीं नहीं गुरुजी हमारे पास सब कुछ है ये तीसरा वचन है मैनू मंगला मांग लो ठीक है गुरु जी अगर आप कहते हैं तो जो आपका नया नाथ है वो हमें दे दीजिए नमा दा मैं यहाँ नमा मैं यहाँ नमा मैं यहाँ मैं यहाँ नमा यागल चक्कर च पै गई रानी नमा मैं यहाँ जो छोटा चेला है वो चाहिए वो जो आपका छोटा चेला छोटा था मैं यहाँ दिखने में तो नहीं लगते छोटा मैं यहाँ छोटा सब तो छोटा मैं आ तन्नू भुलेखा आ छोटा यही आ छोटा मैं ही आ छोटा यही है इहदा परसों दा जन्म आ छोटा मैं ही आ दिखने में तो नहीं छोटे लगते आ ले देखो छोटा ही आ मैं तो बहुत बड़ा देखो महारानी आप बातों में उलझ रही हो हम सभी चेलों की एक शक्ल बना देंगे शक्ल बना दे जी अगर आपके पहचान में आए तो आप ले जा सकती हो ठीक है गुरु जी साडा नंबर कट दे सभी लाइन लगाओ धमाने वाले तेरे नौ दा लंगर लाने एक बारी कट्ठे हो गए पुत्रा तेरी इतनी सेवा कर रहे हो अगे थोड़ा खर्चा किया होनी ना उदा गल कर दे जे साडा नंबर निकलिया वे ता धमाने वाले लंगर एक बारी होर ला देन प्रेस कर ला प्रेस टोर टोर कट ला टोर टोर कट ला चंगी तरह टोर कट ला कट ला टोर चंगी तरह एन प्रेस कर ला कपड़े नूं वही आ जा भाई ले
चलो भाई लगाओ लाइन। रानी रानी हाँ लैन प्राणी इधर ही लैन नमी है चलो जी ओनू फड़ लिया सानू तो किसी ने पूछा ही नहीं है अभी दैवी भाग में भागवे पाके बैठे रहे गल सुन मेरी एक हैदर नाल तो आ चंगा सगा आहो आहो गुरु जी बेटा पूरन राणी सुंदरा ने बार मंगया ए जमालपुर ना मेरे कहने हुण तू जामी राणी नालपुर ना देखे गुरुदेव मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा आपके चरणों में रहूंगा मैं इसके साथ नहीं जा सकता गुरुदेव बेटा जी कहता है कि हम नहीं जाएंगे बेटा पूरन आप महारानी के साथ जाओ क्योंकि हमसे उसने वचन किया है तो ठीक है गुरुदेव आपकी जो आ गया मेरे कहने हुण तू जावी रानी नाल पूर्णा जिथे कहे उस थे में पहुंचा तत्काल पूर्णा जा पुत्रा रानी सुंदरा दे नाल चल जा जिथे कि तेन औकड़ पै जाए तो सानू याद कर लगे ठीक है गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ चरण जीव रहो खुश रहो पुत्रा गुरु जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ खुश रहो अरे आइए जोगीराज बैठिए हमारे महल में आपका स्वागत है ठीक है महारानी आप बैठिए मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ ठीक है महारानी जाइए आप लगता है इस महारानी के पास आकर हम किसी और जाल में फंस जाएंगे ऐसा नहीं करेंगे महारानी चाय लेने के लिए गई है इसलिए उसे छोड़कर इसी वक्त अपने गुरु के पास चला जाता हूँ अगर जोगीराज ही नहीं रहे तो जोगीराज के बगैर मैं भी जीकर क्या करूंगी अभी जाती हूँ महलों से कूद कर अपनी जान दे देती हूँ छी जाना दुनिया गया मैं रानी सुंदरा को छोड़कर आपके पास आ गया हूँ गुरुदेव ये की कीता तू पूर्णा दस मैनू ओ करके आ गया तू एडा कैर बेटा अरते रहता तू कोल सुंदरा दे तू अट गया ना चार पैर बेटा आया दस गए ना रानी सुंदरा नू ओ मर जाऊगी खा के यार बेटा जाके मिली मलुक तू मापिया नू सियाल कोड सोना तेरा शहर बेटा जे तू सुंदरा नू छड के आ गया तेनू असी भी रखना नहीं है जा जेड़े तेरे पिता वाले बाग से ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਉਸ ਜੰਗਲ ਉਸ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਹੈ ਲੈ ਜਾਈ ਆਈ ਮਾਰ ਆਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਨ ਬਾਗ ਮੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਲਮ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਮਹਾਰਾਜ योगीराज हम आपको प्रणाम करते हैं हम भी आपको प्रणाम करते हैं योगीराज जे आपने क्या कर दिया हमने आपको प्रणाम किया उल्टा आपने ही हमें प्रणाम कर दिया देखिए महाराज
मैंने तो आपको प्रणाम किया है क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं। हम तो आपके चरणों में एक फरियाद लेकर आए थे। कहिए राजन, कैसी फरियाद लेकर आए हो? वो चरना बिच आ गए तेरे बन के पिताई, तेरे संत प्यारे रब देवताई, सुने सब कुछ दे सके मेल तेरा गाए जी, पुत्र दी दाग बच्चो प्यारे दुहारे जी। महाराज, क्या आप पुत्र की दाग चाहते हो? हाँ जोगीराज। तो ठीक है महाराज, अगर आप हमारे पास आए हैं तो आपको एक बात हमारी माननी पड़ेगी। आप अपनी महारानी से आपको थोड़ा सा समय अलग रहना होगा। हम आपकी महारानी से कुछ बातें करनी चाहते हैं। जोगीराज, हमारे सामने ही करो। नहीं नहीं महाराज, आप देखिए महारानी, जो भी बात है इन्हें संतान के डेरे में जाके कोई भी गल छुपा के नहीं रखनी। जो जो सच है महाराज के सामने दस दे। जे तू सच बोलेगी तो पुत्र पाएगी, जेकर तू झूठ बोलेगी तेन औलाद का सुख नहीं होगा। सुना है जोगीराज कहते हैं, अगर थोड़ा सा भी झूठ बोला है तो सच बोल दो, पुत्र की मुराद पाओगी। अगर झूठ बोलती रही तो छुड़ छुड़े खड़का दी जाऊंगी। जोगीराज, अगर मैं सच बता दूंगी तो महाराज हमें कत्ल कर देंगे। आप ऐसा कीजिए, आप हमें तीन वचन दीजिए। देखिए महारानी, मैं आपसे वचन करता हूँ। महाराज आपको जब आप सच बोलने की कुछ नहीं कहेंगे तो लीजिए वचन। एक दो तीन, जो जो हुआ था आप सच बताइए। मैं आपका सच बताने जा रही हूँ महाराज। पूरन हमारे महलों में आया जरूर था, पूरन ने ऐसा कोई काम नहीं किया ना जाने महाराज। पूरन को देखकर हमें क्या हो गया था महाराज? पूरन तो माता माता कहता रहा, मैंने पर उसकी एक भी सुनी महाराज। सब गलती हमारी है महाराज, हमें क्षमा कर। तुम्हारे के अनुसार मैंने अपना चांद जैसा लाल अपने हाथों से कत्ल करा दिया था, लेकिन अब जहाँ पर हमारा बेटा गया है वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा। मरने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। You're not holding on.
इसे काटूंगा। जैसे हमारा बेटा तरफ तरफ कर खत्म होया होगा, वैसे ही तुम खत्म होगी। अब सर को नीचे कर दो। ये एक, ये दो, ये धैर्य राजे, धैर्य महाराज। कोड़े खोल तवेलियों चोर लग गए, कोड़े खोल तवेलियों चोर लग गए। हुण जंदरा लाऊंगा की फायदा, जद खेती चिड़िया ने चुग खादा हुण ढोल बजाऊंगा की फायदा। महाराज अगर आप इसे कत्ल कर देंगे तो पुत्र की दात कहां से पाएंगे महाराज? इनको तो मैंने सोचा ही नहीं जोगीराज। देखिए महाराज, तुसी भी करो बेनती, तुसी भी करो बेनती, मैं भी कर लवा। पुत्र कर तुसा दे रसालू, ओदा घोड़ा रहना पीड़िया, वो फिरे ग्रां ग्रां रस्सियां धर के मिलन गए औजना दी। उस तो पिछो राजिया तेरा किसी ने लेना ना। महारानी मैं आपको एक चावल का दाना देता हूं, आपको एक घर पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम राजा रसालू रखना। कंजर दिए मारे हाथ का खुले का नुक रहे हो, जे मरा थले ने भी फेर। महाराज जी ऐदा दी जनानी दे पेट तक गदा बिना हो गए, पर तुसी अलार बख्श दिती इहनू लोड़ सी, पर इहनू मैं छड्डणा ना सी। हुण ऐदा कर महलां नू चल जा। महाराणी छना रोंदी रोंदी अपने पुत्र दे वियोग विच अन्नी हो चुकी है, जां साडे बाग हरे हो सकदे है, उह सानू पुत दी बरात मिल सकदी है, उहनू अखां भी मिल सकदी है। लोको केड़े पासे है संतां दा डेरा, रास्ता मैनू नजर ना आवे योगीराज। मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। आपका गुरु भला करे। आओ माता जी, आइए बैठिए। आवाज तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन योगीराज जो आप सत्संग कर रहे हो सुनकर मन को सुकून मिलता है और मन को शांति मिलती है। योगीराज योगीराज जो भी आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप आगे कहिए क्या कहना चाहते हैं। पूर्ण सी पुत्र सोना राजे सलवान दा, पूर्ण सी पुत्र सोना राजे सलवान दा, कह गया सिर ते छाया लूणा शान दे। जोगीराज उस पात्र का नाम मत लो, आप नहीं बहुत बच्चे खड़ी डैन है डैन, उसने हमारा बेटा खाया है जिसका नाम पूर्ण ले रहे हो। उसने हमारी कुख से जन्म लिया है लेकर हमारे पास नहीं, उसके वियोग में आंखों से पूर्ण सी पुत्र सोना राज सलवान का,
आपका बेटा तुम्हारे सामने आ जाएगा, क्या आप उसे पहचान लेगी? जोगीराज आप कोई बात क्यों करते हो? जो इंसान मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हमारा बेटा मर चुका है, वो कैसे वापस आएगा? ना जाने जिलाद ने उसको कैसे कैसे करके मारा होगा। नहीं, हमारा बेटा मर चुका है। क्या माता, आपने उस पुत्र के वियोग में ही आपकी आंखों की रोशनी गई है? हाँ हाँ जोगीराज, इस वक्त हमारा बेटा हमारे महलों से दूर चला गया, उसी वक्त हमारी आंखों की रोशनी भी चली गई। जोगीराज बेटा तो क्या देखना था, मैं दुनिया को भी देख सकती। तो माता गुरु की आज्ञा से मैं पहले आपको तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस करता हूँ। ओम संध्या आरती सतगुरु सेवा, ढोल कौन मेरे गुरु सेवा। माता जी जिंदगी रही है, फिर इन्हें रब दर्शन जो इन्होंने प्रबंधक कमेटी का वीर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने दो दिन के बच्चे इन्ना वधिया प्रबंध कर लिया है, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के मेले चो आखिर बिछड़ी जान गए सारे।